सेल्फी बूथ लगाने में, जब 6,25,000 का एक कार्डबोर्ड के गत्ते का बूथ बन रहा है और 1,20,000 में एक पक्का मकान बन जाता है गरीब के लिए, आपके अंदर मोदी जी का असर बहुत जबरदस्त है, बहुत जबरदस्त मोदी जी प्रवेश किया, ये निकालना पड़ेगा हमें। सबको पता है कि जुमलेबाजों ने केवल जुमला ही दिया है और 2024 भी जुमला ही है। इनसे पूछिए, इतना ईमानदार व्यक्ति है मोदी जी। और जहां अयोध्या देख रहे हैं और बनारस देख रहे हैं, जाइए बनारस में इंटरव्यू लीजिए, कितने बनारस के मकान तोड़ दिए गए अधिग्रहण के नाम के, जिनके वीडियो, जिनके इंटरव्यू कोई चैनल वाला नहीं देता। मैं इस व्यक्ति को काबिल नहीं मानता हूँ कि ये व्यक्ति हमारे देश के प्रधानमंत्री बने। नमस्कार, मैं नूरजा और आप देख रहे हैं जनित आवाज। इस वक्त मैं मौजूद हूं जामा मस्जिद में। जिस तरीके से 2024 के लोकसभा चुनाव बेहद ही नजदीक हैं, वहीं तमाम जो चीजें नजर आ रही हैं, ईवीएम के मुद्दे उठने स्टार्ट हो गए हैं, राम मंदिर की चर्चा में चीजें हो रही हैं, जहां पे इंडिया को सेकुलर कंट्री माना जाता है वहां हिंदू राष्ट्र बनाने की बात हो रही है, और उसके बाद ईवीएम का मुद्दा भी लगातार उठ रहा है। प्रेस कॉन्फ्रेंस की जा रही है, जो सुप्रीम कोर्ट के बड़े वकील हैं वो भी अब सड़कों पर आके धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। इसी चीज पर हमारे साथ बातचीत करने के लिए एक शख्स मौजूद है। सर, क्या कहेंगे कि जो मोदी सरकार दावे वादे कर रही है कि अब की बार 400 पार, क्या ये ईवीएम का खेल है? जय हिंद जय भारत। में रेबल सदानंद पति, सबसे पहले पत्रकार महोदय आपका धन्यवाद। और आपने एक बात बोला कि हिंदू राष्ट्र बनाने की बात हो रही है, पहली एक बात मैं आपको बोलूंगा, सवाल हिंदू राष्ट्र, इस्लामिक राष्ट्र या किसी और राष्ट्र की बात अगर आप लोग करेंगे, इसका मतलब है कि बीजेपी के चंगुल में आप लोग खुद आ रहे हैं। वो कहे ना कहे, आप लोग कह रहे हैं इस मीडिया के मंच से, तो आपसे कहलवा रहे हैं। पहली बात, मोदी सरकार ईमानदार सरकार, ये भी वो नहीं कह रहे थे, ये मीडिया के माध्यम से कहलाया जा रहा था, तो इन बातों को बोलिए ही मत। पहली बात, मेरे देश का नाम भारत है कि नहीं दोस्तों? आप नोट में क्या देखते हैं? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, रिजर्व बैंक ऑफ हिंदुस्तान लिखा हुआ होता है क्या? रिजर्व बैंक ऑफ पाकिस्तान तो नहीं लिखा होता है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है ना। आपके आधार कार्ड में भी नूरजहां जी शायद भारतीय सरकार ही लिखा होगा, तो हम क्यों सरकार का नाम बदले? अब सही बात है, मोदी जी का, मोदी जी एक पार्ट को रिजेंबल करते हैं और मेरे देश के माननीय प्रधानमंत्री हैं, पूर्ण सम्मान, क्योंकि हर प्रधानमंत्री को सम्मान देना मेरे देश का कर्तव्य है, यह मेरे देश की तहजीब भी और संस्कार भी है। लेकिन एक बात व्यक्तिगत तौर पे मैं आपको बात बोलूंगा कि मोदी जी केवल बोलते हैं, करते कुछ नहीं। जो बेचने का काम है, मोदी जी एक बढ़िया सेल्समैन है, और मैं ऑन रिकॉर्ड आपको बोलता हूं, अगर मोदी जी को कोई इस जामा मस्जिद के सामने जो मार्केट है ना, और ये शूज, ये रुमाल, ये शॉल, अगर ये बेचना हो तो मोदी जी इसको 3 गुना रेट में बेच सकते हैं, इसकी गारंटी मैं ले सकता हूं। वो यहाँ के एक नॉर्मल साल को कश्मीर का पश्मीना बना के भी बेच देंगे, ये हुनर उनका है, और ये हुनर वो 140 करोड़ भारतीयों के साथ बहुत तसल्ली से कर रहे हैं। लेकिन वो जो एक नारा देते हैं, सबका साथ सबका विकास, और वहीं दूसरी तरफ कहते हैं हिंदू राष्ट्र, तो ये नारा कहाँ तक सही है? देखिए, मैं दोबारा आपको बात बोलूंगा, हिंदू राष्ट्र का जिक्र आप ना करें, जो प्रश्न है नहीं उसका उत्तर देना अनिवार्य नहीं होता, लेकिन सबका साथ सबका विकास की बात आएगी उसका आपको एक जवाब देंगे। आप अगर विकास का मतलब समझते हैं ना, तो उसके लिए पहले आपको परिवार बसाना चाहिए। जब आप परिवार बसाते, अपने पत्नी के खर्चे उठाते हैं, अपने बच्चों को स्कूल भेजते हैं, तब आपको पता चलता है कि विकास होता क्या है। उन्होंने कहा है कि हमने देश के लिए बलिदान दिया है कि हम देश को सुधार सके, देश का विकास कर सके। देखिए, आपके अंदर मोदी जी का असर बहुत जबरदस्त है, बहुत जबरदस्त मोदी जी प्रवेश किया, ये निकालना पड़ेगा हमें, चाहे कुछ टोटका ही क्यों ना करना पड़े, गलत तो नहीं है। अब आइए, अब मूड में आते हैं, अब आप मेरी बात को पूरी होने दीजिएगा। एक बार जब आप अपने बच्चे को स्कूल भेजते हैं तो उसको फीस देते हैं, रसोई का एक बजट होता है। मोदी जी ने शादी नहीं की ना पूर्ण तरह से, पत्नी को छोड़ दिए। अगर बच्चे होते तो उन्हें पता चलता कि 2 बच्चे पढ़ाने के चक्कर में एक माँ बाप को कितना पीसना पड़ता है। गलत बोल रहा हूं क्या भाइयों? और सुनिए, ये प्राइवेट स्कूलों की बात है, विकास का मतलब क्या होता है? अगर एक बच्चा बीमार हो जाए, या पत्नी बीमार हो जाए, या किसी का पिता बीमार हो जाए, तो अस्पताल में पता चल जाता है कि इनका झूठा आयुष्मान कार्ड कोई नहीं लेता, कोई भी नहीं लेता। आपके जेवर बिकते, आपकी जमीन बिकती है, तब जाके आपके परिवार का इलाज होता है, यह है इनके कड़वा सच। अब आ जाते हैं आपके रक्षा के ऊपर, देश के रक्षा के ऊपर। 2014 से पहले जब ये आ रहे थे, तो हमारे एक वीर सेना के, एक हमारे वीर सेनानी शहीद हुए थे, जिनका नाम था हेमराज, जिनका सर काटा गया था, सर कलम किया गया था पाकिस्तान के द्वारा, तो वहां यह आवाज उठाई गई थी कि 10 सर लाएंगे। बराबर पुलवामा में हमारे कितने शहीद चले गए, कितने लोग हमारे शहीद हो गए,
और वो घटना पाकिस्तान की नहीं थी, भारत के अंदर थी, जहां मैं जाके वीडियो आप लोगों को दिखाता आया हूं। बराबर बराबर है, जिनके ऊपर आरोप था आज वो खुलेआम घूम रहे हैं। ये देश की हालत है मैडम। तो मोदी जी का जिक्र मत कीजिए, मेरी बात सुनिए। मैं प्रधानमंत्री पद का सम्मान करता हूं, पर व्यक्तिगत तौर पे मैं इस व्यक्ति को काबिल नहीं मानता हूं कि ये व्यक्ति हमारे देश के प्रधानमंत्री बने। क्योंकि प्रधानमंत्री बनने से पहले आप अपना घर का प्रधान बनिए, अपने माँ बाप के सेवक बनिए। आप उनके ब्रदर का इंटरव्यू लीजिए, उनके भाई का। उनके भाई को बैन क्यों कर दिया जाता है? उनके भाई खुल के बोलते हैं कि उनके भाई के कारनामे क्या थे। प्रहलाद मोदी भी उनके भाई हैं, को आप नेट पे सर्च कर लीजिए, एक एक बात आपको रेलेवेंस से मिलेगी। अब आ जाइए देश के ऊपर, जगह के नाम बदले जा रहे हैं मैडम। बराबर, अब उन्हें इंडिया के नाम पे नफरत हो रही है। ये मेक इन इंडिया किसने बनाया था? मोदी जी ने। खेलो इंडिया किसने बनाया था? मोदी जी ने। पढ़ेगा इंडिया तो बढ़ेगा इंडिया किसने किया था भाइयों? मोदी जी ने। तो तब इंडिया से नफरत नहीं हुआ था क्या? आज राहुल गांधी और पूरे विपक्ष ने अपना टीम का नाम इंडिया गठबंधन रख दिया तो इनको चुल लग गए। बराबर, तो इन बातों को नेट में ढूंढिए और मेक इन इंडिया को बोलिए मेक इन भारत करने के लिए। क्यों नहीं किया? जब आपको जरूरत पड़ी इंडिया का सहारा ले लिया, जब आपको जरूरत पड़ी आप सऊदी अरब के मस्जिद में चले गए, जब आपको जरूरत पड़ी चर्च में जाके बोला भाई और बहनों मेरा बहुत पुराना रिश्ता है क्रिश्चियंस के साथ, भाई और बहनों बहुत पुराना रिश्ता है मुसलमानों के साथ। रिश्ता किन किन के साथ नहीं है जरा मैं बता तो दीजिए। जिस दिन ढूंढेंगे ना, देश के गद्दारों का भी रिश्ता इन्हीं के साथ आपको मिलेगा, ये गारंटी है। तो फिर जो जो भक्त है, जो मोदी भक्त माने जाते, कहते हैं हर हर मोदी घर घर मोदी, अगर मोदी जी काम नहीं कर रहे तो इस तरीके की नारेबाजी क्यों लगाई जाती है मोदी के लिए? ये पंक्ति मेरे तमाम हिंदू भाई बहन आपको समर्पित, हर हर महादेव की पंक्ति भी अलग कर दोगे क्या तुम लोग? क्या हर हर महादेव की पंक्ति भी तुम लोग बदल दोगे? क्या भगवान का दर्जा भी मोदी जी ले जाएंगे? भगवान श्री राम को छोटा बालक के तौर पे पोस्टर आ रहे हैं और दिखा रहे हैं मोदी जी उनकी उंगली पकड़ के चल रहे हैं, मतलब भगवान को ऊपर वाले को लाने वाला इंसान है? एक क्वेश्चन तो करोगे कम से कम, कहीं तो लॉजिक लगाओगे। अगर ऊपर वाले को लाने वाला ही धरती का ही आदमी है तो भगवान के और ऊपर वाले की जरूरत ही क्या रहेगी, पहले तय कर लो। उन्होंने ये भी बोला था कि हम अपने राम जी को टेंट में नहीं रहने देंगे, उनको पक्का मकान दे दिया है। पक्का मकान तो उन्होंने सबको दे दिया, देखिए सब मकान वाले ही हैं। और सुनिए, गाजियाबाद में 50,000 लोगों को नोटिस, जो लोग 30 साल से रह रहे हैं मकान टूटने का। और जहां अयोध्या देख रहे हैं और बनारस देख रहे हैं, जाइए बनारस में इंटरव्यू लीजिए इस दाढ़ी वाले का, लेकर आप क्या करेंगे? हम लोग तो बेकार लोग हैं, कुछ नहीं कर पाए खास, मरेंगे एक दिन। कितने बनारस के मकान तोड़ दिए गए अधिग्रहण के नाम के, जिनके वीडियोस, जिनके इंटरव्यू कोई चैनल वाला नहीं देता। गलत तो नहीं बोल रहा भाइयों, उनके दिल पे पूछिए। देखिए यहाँ बैठा खड़ा हुआ कोई भी व्यक्ति मोदी जी को सम्मान नहीं करता, कोई नफरत नहीं करता, एक बात समझिएगा। और मैं एक बात बोलता हूँ, मोदी जी तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस को बहुत मानते थे। मैं आजाद हिंद फौज का वंशज हूँ, मेरे दादा कमांडर थे उनके, रेबल नाम यू ही नहीं है। बराबर, नेताजी सुभाष चंद्र के फौज का जो भारत की पहली फौज थी क्या नाम था? आजाद हिंद फौज। ये तीनों ही उर्दू के शब्द हैं। जब उस जैसे महान सेनानी ने कभी अलग नहीं किया हिंदू मुसलमानों को, तो इनको क्या? देखिए एक लाइन याद रखिएगा, आजादी से पहले और आजादी के दौरान दो ही तरह के लोग थे। बराबर, जो मर्द थे वो जंग में थे और जो डैश थे वो संग में थे। आपने एक आवास योजना का कहा कि पक्के मकान कहाँ मिले, वही चीज आपने बोली, तो उसमें एक चीज एक और निकल के आती है कि आवास योजना के तहत जिनको मकान दिए जाते हैं वो अपने मकान रेंट में देके वापस झुग्गियों में शिफ्ट हो जाते हैं, ये चीज तमाम देखने को मिल जाती है। एक काम कीजिएगा, डाटा निकालिए। मैं आरटीआई एक्टिविस्ट में डाटा पे बात करता हूँ। अभी हमने एक आरटीआई निकाला था, गौर से सुनिएगा, हमने एक आरटीआई निकाला था कि अयोध्या में जो ये पूरा प्राण प्रतिष्ठा के पहले दीपोत्सव हुआ था उसमें तेल कौन सा यूज हुआ है। उस आरटीआई का जवाब सुनेंगे, आज रात को मैं लाइव करने वाला हूँ आरटीआई के साथ, आप उसको भी देखिएगा, आपके होश उड़ जाएंगे। पहली बात, उनके किए हुए तमाम काम उन्होंने खर्च किया, मैं बताता हूँ कहाँ खर्च किया। एयरपोर्ट में अपने पोस्टर लगाने में, रेलवे स्टेशन में अपने बोर्ड लगाने में, सेल्फी बूथ लगाने में। जब 6,25,000 का एक कार्डबोर्ड के गत्ते का बूथ बन रहा है आप समझ लीजिए, और 1,20,000 में एक पक्का मकान बन जाता है गरीब के लिए, तो 6,25,000 क्यों? लेकिन जब तक पॉलिसी के बारे में पता नहीं चलेगा तो लोगों को पता कैसे चलेगा कि ये पॉलिसीज निकाली गई है प्रधानमंत्री द्वारा, तभी तो वो लाभ उठा पाएंगे। देखिए पॉलिसी उठा दिया गया, पॉलिसी ये कहता है बीमार हो या आयुष्मान कार्ड लेके जाइए, हर अस्पताल खुल के बोलता है भैया हम आयुष्मान कार्ड नहीं लेते हैं। मेरी बात सुनिएगा, सबको पता है
कि जुमलेबाजों ने केवल जुमला ही दिया है और 2024 भी जुमला ही है। उनके पास एक मैंडेट था राम मंदिर, उन्होंने उस मैंडेट पे काम किया, इसके अलावा उन्होंने कोई काम नहीं किया। राम मंदिर के लिए आप बधाई के पात्र हैं, स्वीकार किया, लेकिन उसके पहले 10 और चीज भी तो थी। 100 से ज्यादा स्मार्ट सिटी थी, कहां चले गए आपके स्मार्ट सिटी? आपने बोला था 2 करोड़ युवाओं को 2014 में दोगे, आपकी जानकारी के लिए सरकारी वैकेंसीज बंद हो गई। रेलवे को केवल इसलिए निजीकरण कर दिया गया ताकि आरक्षित वर्ग को नौकरी ना मिले। वो आरक्षण विरोधी थे, खुल के तो कर नहीं सकते थे, उन्होंने प्राइवेटाइज कर दिया क्योंकि प्राइवेट कॉन्ट्रैक्टर्स हैं। आप समझिएगा बात को, जो देश में 2014 के पहले 49% का FDI था यानी विदेशी इन्वेस्टमेंट, आज वो 100% है। चिंता मत कीजिए, ये जो मुर्गा उर्गा जो कुछ भी आप खा रहे हैं ना आज सब्जी, ये भी अधिकार आप अंग्रेजों का। आखिरी सवाल लेना चाहूंगी मैं, जब 2014 में जो भाजपा का एजेंडा वो सेट ही था कि वो जो आएंगे वो एक ही एजेंडे पे चलेंगे, तो लोग उनको वोट क्यों दे रहे हैं, वो सत्ता पे क्यों है फिर? आपको दोबारा एक गलत फहमी होगी कि वो लोग उनको वोट दे रहे हैं। आप राजस्थान गए थे, अशोक गहलोत जी ने एक योजना निकाली थी 25 लाख तक फ्री मेडिकल, बराबर, और इस साल अगर हम जीतते तो 50 लाख कर देंगे। मोदी जी की हेल्थ योजना कितने लाख की है? जैसे राजस्थान में सरकार बनी वो पुरानी योजना भी उन्होंने बंद करवा दी, तो राजस्थान के लोगों को स्वाद मिल रहा है ना, लेकिन उन लोगों को स्वाद मिल रहा है। देखिए एक बात में सुनिए, इन्होंने एक टीम बना ली है यूथ की बहुत बढ़िया, जिनको ये बढ़िया पैकेज देते हैं, जिनका काम है रोज टीवी में इंटरव्यू देना, रोज वीडियो में वॉलपेपर भेजना कि मोदी है तो मुमकिन है। हम भी कहते हैं आसान नहीं है मोदी बनना, मोदी बनना है तो बीवी छोड़ना पड़ेगा, मोदी बनना है तो घर त्यागना पड़ेगा बेच के, अगर मोदी बनना है ना तो पुलवामा जैसे अटैक्स होना पड़ेगा, अगर मोदी बनना है तो किसानों पे लठैती करनी पड़ेगी, अगर मोदी बनना है तो किसानों के छाती के ऊपर आपको थार चलवानी पड़ेगी, अगर मोदी बनना है तो जो आवाज उठाए उसके घर में ED, क्राइम ब्रांच, SIT, DIT सबको बिछाना पड़ेगा, अगर मोदी बनना है तो आडवाणी जी को भी किनारे करना होगा, अगर मोदी बनना है तो वक्त पे ममता जी को दीदी बोलना है और वक्त पे जितने भ्रष्ट लोग उन्हें अपनी पार्टी में लाना है, अगर मोदी बनना है तो नाले में गैस बनाना होगा, समझ रहे हैं ना आप, नाले में गैस, अगर नाले से गैस बन रही होती ना तो भारत में सड़कें कम है और नाले ज्यादा है, पूरा देश हम सऊदी अरब तक को गैस फ्री में दे देते। तो उनका कहना है ना आत्मनिर्भर बनिए। आत्मनिर्भर क्या मोदी जी क्या सिखाएंगे? आप इस माइक को लेके खड़े हैं, क्या भाजपा का कोई असिस्टेंट पकड़ा है क्या इस माइक को? मैं जो बोल रहा हूँ क्या भाजपा वाले बोल रहे हैं? ये जो कैमरा मैन है क्या भाजपा वाले को उनको मदद कर रहे हैं क्या? जो स्वयं के लिए काम करता हर वो व्यक्ति आत्मनिर्भर है, जो रेडी में काम करता है वो भी आत्मनिर्भर है, जो कपड़ा बेच रहा है, जो ड्यूटी कर रहा है, जो फौजी है, हर कोई आत्मनिर्भर है सिवाय हमारे देश के पॉलिटिशियंस और मोदी जी जैसे लोग। इनसे पूछिए, इतना ईमानदार व्यक्ति है मोदी जी, पैरामिलिट्री के जवानों को पेंशन नहीं देते जो देश के लिए कुर्बानी देते हैं, खुद के 6-6 पेंशन लेते हैं, क्यों लेते हैं पेंशन? जब एक देश एक इलेक्शन हो सकता है, एक देश एक पेंशन नहीं होना चाहिए? और एक बड़ा पॉइंट जो आप लोग कभी नहीं उठाते हैं, ये जमाना है मोबाइल का दोस्तों, लैंडलाइन फोन तो नहीं है ना अब, यार हर विधायक को 10,000 रुपए लैंडलाइन के बिल के क्यों देते हो? जब 365 रुपए में पूरा आउटगोइंग फ्री है तो 10,000 रुपए महीने का भत्ता क्यों दे रहे हो? आप समझ रहे प्रश्न कहां पे है? असल में पत्रकार अब प्रश्न करना भूल गए। अगर आप ये पत्रकारिता में सवाल उठाना स्टार्ट करेंगे ना कि 10,000 का महीने का टेलीफोन का बिल क्यों दे रहे हैं भाई, किस बात के लिए? और आप 20,000 का बिजली का बिल किस बात का दे रहे हैं? मियां बीबी दो बच्चे ही तो है MLA का, MLA के 4 बीवियां हैं, परमिशन तो उनको भी नहीं होगी। अब आप आ जाएंगे कि भाई इस्लाम में तो 4 इजाजत है, तो इस बात पे मत आइएगा। ये उन विधायकों के लिए जो हर जगह जाति धर्म का मुद्दा लेके उठाते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। तो जाहिर तौर पर देखा जा सकता है कि इन्होंने जो भाजपा सरकार की पोल खोल के रख दी, और यहाँ पे जब जनता की भीड़ देख पा रहे होंगे कि जनता भी इनसे एग्री कर रही है कि हाँ कि मोदी जी जुबलेबाज हैं, जाहिर तौर पर पूरा साफ बता दिया है इन्होंने। बाकी आपकी क्या राय है इसमें कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइएगा। कैमरामैन आशीष के साथ मैं नूरजहां।